चिड़िया और हाथी की दोस्ती। एक थी चिड़िया, बहुत सुंदर और प्यारी सी। जब देखो इधर उधर फुदकती, नाचती रहती। जंगल में एक हाथी था। वो जब चिड़िया को नाचते फुदकते देखता तो बहुत खुश हो जाता था। एक दिन उसने चिड़िया से कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? तो चिड़िया बोली, मैं इतनी छोटी और आप इतने बड़े हो, हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? तब हाथी बोला, हम एक दूसरे के साथ रहकर खूब मजे कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घूम सकता हूँ, तुम्हें मुसीबत पड़ने पर बचा सकता हूँ। चिड़िया मान गई और दोनों दोस्त बन गए। वो रोज मिलते और गपशप लगाते। जंगल में एक लोमड़ी भी थी। वो रोज चिड़िया को देखती और सोचती, काश मैं इसे पकड़ सकूं, फिर तो खाने में मजा ही आ जाएगा। एक दिन जब चिड़िया मजे से कूद रही थी तो अचानक से उसके सामने लोमड़ी आ गई। उसने झट से उसे पकड़ लिया। लोमड़ी ने कहा, चिड़िया रानी, अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर चिड़िया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी हाथी ने चिड़िया का चिल्लाना सुना और झट से उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ा। हाथी को देखते ही लोमड़ी डर के भाग गई और उसके हाथ से चिड़िया निकल गई। इस तरह हाथी ने चिड़िया की जान बचाई और उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि अच्छा दोस्त वही है जो समय पर काम आ जाए।